नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में हजारों ग्रामीण मार बचाओ मंच के बैनर तले अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 8 महीनों से घने जंगलों के बीच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर अब तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने के कारण हजारों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुँचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अबूझमाड़ के ग्रामीणों को सर्व आदिवासी समाज गोंडवाना समाज का समर्थन मिला और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अबूझमाड़ को स्वतंत्र बताते हुए कहा कि ग्रामीणों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है, ये राज्य सरकार की विफलता है। पखंजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में अबूझमाड़ क्षेत्र के निवासी जो आदिवासी हैं वो यहाँ पर मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। मूल रूप से पेशा कानून में संशोधन, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन और ग्राम सभा की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। मेरे तरफ से उन्हें सूचित किया गया है कि इनमें से अधिकतर जो मांगे हैं इनका निराकरण शासन स्तर पर होना है। इनकी इनके विचारों से और इनके ज्ञापन में जो भी इन्होंने मांग की है इन मांगों से शासन को तत्काल अवगत करवा दिया जाएगा। हाँ, ये मांग इनकी मांगों की का स्वरूप ऐसा है जो कि शासन स्तर से ही संभव है। पिछली बार भी वापस धरना स्थल तक ना करूं फिर मेरा दायना भी टाइम हो गया था है ना, तो वापस प्रतिउत्तर मिलता है शासन को चूंकि ये कानून बने हुए हैं विधि आवेदन ही तो रहा है विधि रूप से निर्वाचित जो विधानसभा है और जो भारत सरकार है उनके तरफ से कानून बने हुए हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी संशोधन जो स्थापित नियम है उन्हीं के तहत होंगे। मैंने पिछली बार भी शासन को अवगत करा दिया था, अभी जो मांगे आई हैं जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं इन मांगों से भी शासन को अवगत करवा दिया जाए। अवगत करवाने के बाद अभी तक उन मांगों के संबंध में शासन स्तर से कोई उत्तर नहीं आया है। इन मांगों को हम शासन को जो भी हमारे अलग अलग विभाग हैं उन विभागों को हम ये अवगत करवा देते हैं कि जनता की इस तरह की मांग आ रही है। लगभग 8 महीनों से बैठे हुए हैं जंगल में, इनकी मांगे हैं क्या सरकार सुनने वाली है या प्रशासन सुनने वाला है? प्रशासन जैसा मैंने बताया कि इनकी मांगों का जो स्वरूप है एक या दो मांगे ऐसी हैं जिनका जिला प्रशासन के स्तर पर समाधान संभव, इनकी बाकी मांगे कानून में संशोधन को लेकर है और अपने संविधान में कानून में संशोधन की एक प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया को शासन स्तर पर ही उसको पूर्ण किया जाता है। तो जो भी इनकी मांगे हैं हम उनको शासन को इनकी मांगों से अवगत करवा देंगे। आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, आप सर्व आदिवासी समाज किस नजरिए से इसे देखिए, क्या इनकी मांगे जायज हैं? देखिए अगर पेशा कानून को ईमानदारी से लागू कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी पूरे देश में देश के आदिवासी इलाके में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल वही है हम लोगों ने, इसलिए तो मैंने कहा ना अपने भाषण में हम जानते थे कि तूफान और आंधी आने वाला है इस देश में, यानी लूटने के लुटेरे आने वाले हैं, जंगल जमीन पानी ये सब उसकी इंतजाम की हैं और हमारे सामने अगर उसकी ऐसी की तैसी हो जाए उस कानून की तो हम सभी के आदमी को तो दुख होता है ना। हमने बनवाया, हम लोगों ने बनवाया, ऐसा नहीं है। अब इन लोगों का ऐसा है कि कॉरपोरेट घरानों से मिल करके कुछ भी कर लो भाई, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो सर्व आदिवासी समाज किस तरह का समर्थन? तो हमने तो एक प्रयोग कर रहे हैं ना कि सब रिजर्व सीट पे लड़ेंगे, समाज की तरफ से लड़ाएंगे, बस्तर के सातों जिलों पूरा प्रदेश के 30 सीटों में और कुछ जनरल सीट पे भी है जहाँ 20 से 40% वोटर है आदिवासी, वहाँ भी लड़ेंगे अजमाएंगे, पर दूसरों को भी मौका देंगे। पिछड़ा वर्ग को भी, महाराज भी पंडित भी कोई कहेगा कि हमारे बैनर पे हम एकाध सीट मिला लड़ो आओ स्वागत, हम सबको जोड़ना चाहते हैं। सर यहाँ पे अबूझमाड़ में सर्वे नहीं हुआ है और यहाँ पे खदानें चालू हो रही है, यहाँ के आदिवासी लोगों को सरकारी क्या समझती है? उनको तो गंवार समझती है ना, जानवर से कम नहीं समझती, यही तो हमारी शिकायत है कि वहाँ आप खदान दे ही नहीं सकते, गलत है वो।
तो आपके बुजमाड़ अब सरकार के अंडर नहीं है, हम अब तो कहना शुरू कर देंगे। सर मुख्यालय में प्रभारी मंत्री लखमा जी का दौरा है और इतने ग्रामीण यहाँ पर आए हुए, उनका नहीं मिलना, क्या समझते हैं? वो आप लखमा जी से पूछिए ना भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप यहाँ परिचय देंगे अपना और बताएंगे कि आज जो अरविंद नेताम जी यहाँ आए थे, आप लोग को क्या कुछ बातें समझ में आई है, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग की? मेरा नाम प्रदीप कुमार है और जो नेताम जी आए थे बहुत अच्छी बताए, जो 1994 के जो पेशा कानून है, पहले जो इतना अबुझमाड़ में कोई लागू नहीं था और उसके पहले जो भी कुछ नहीं था, जो अभी सरकारें पूरी अबुझमाड़ को भी लूटने का कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ दादाजी बताए। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या करेंगे आप? अभी जो हमारी जो 3 सूत्रीय मांगे लेकर आए हैं, अगर पूरी नहीं होगी तो हम फिर एक बड़ा रणनीति करेंगे।